हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऊंट पर विराजमान दशा माँ और घोड़े पर बाबा रामदेव काला गौरा भैरू 10 साल के बच्चों के किरदार ने सबका मन मोह लिया। नागाणी ऐसे तो आपने 9 दिनों तक अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम और देवी देवताओं के रूप धारण देखे होंगे बड़े बड़े कलाकारों के माध्यम से, मगर हम उन दोनों अन्य कलाकारों की आज बात करते हैं जो 10 साल के उम्र में ऐसे रूप धारण किए कि देखने वालों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हम बात कर रहे हैं सिलदर कस्बे से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत हालीवाड़ा की, जहाँ हालीवाड़ा के नवरात्रों की अलग ही पहचान बन गई है। 10 साल के जिगर पुरोहित और अंकित रावल दोनों के अद्भुत कलाकारी से मध्य रात्रि तक लोग अपनी जगह से हिल नहीं पाते। जिगर पुरोहित के गौरा भैरू का रुद्र रूप देखकर और उनका कला और प्रस्तुति देखकर अद्भुत हो जाएंगे। वहीं अंकित रावल भी 10 साल के उनका अम्बे गौरी का रूप धारण मानो स्वर्ग से देवी खुद पंडाल में उपस्थित हुई हो। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में जलती जोत और उनका नेत्र देखने लायक था। हजारों की संख्या में लोगों के सामने दोनों नन्हे कलाकारों को प्रस्तुति देना बड़े पंडालों में हर किसी की बात नहीं है। वहीं हालीवाड़ा में दशा माँ का ऊंट की सवारी के साथ ढोल बाजे के साथ पंडाल में एंट्री सबसे स्पेशल होती है। वहीं बाबा रामदेव जी घोड़े पर सवार होकर पधारते हैं, ऐसे गरबों की प्रस्तुति कहीं नहीं है। हजारों की संख्या में लोग अंतिम दिन देखने आए। वहीं हालीवाड़ा अंबिका युवा गरबा मंडल नवरात्र महोत्सव की कमेटी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत कठिनाई उठानी पड़ी, मगर अनुसार देखने लायक था। इस मौके पर श्री अंबिका युवा गरबा मंडल हालीवाड़ा संरक्षक अतीक कुमार रावल और उनके सदस्य 2 दिनों तक व्यवस्था संभाली थी। जागरूक टीवी के नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।